क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग YouTube पे लाइव कर रहे थे वेबिनार्स, तो अचानक से पता नहीं कैसे आवाज़ का कुछ टेक्निकल इशू आ गया, बस तुरंत तो सॉल्व होने से रहा। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर करके इसको फिर हम लोग वहाँ पर भी दे देंगे लोगों को, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे होप सो, कि हम लोग यहाँ पर फुल इंडस्ट्री का आपको नॉलेज देने आ रहे हैं। इंडस्ट्री इन द सेंस प्री कास्ट इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी प्री कास्ट को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे मैक्सिमम लोग प्री कास्ट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। RCC को धीरे धीरे नीचे जा रहा है, प्री कास्ट या PEB दो ही चीज़ का वो चल रहा है। तो क्या होता है प्री कास्ट, कैसे इसमें काम होता है, फुल नॉलेज इसमें हम लोग आपको देने वाले हैं कि क्या होता है प्री कास्ट और कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है जी। चलो अब इसमें ये भी नहीं बोल सकता उसको शेयर करो, क्योंकि शेयर का तो ये होगा नहीं। चलो जी आप देखते हैं प्रीकास्ट का फुल नॉलेज, आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है प्रीकास्ट में और कैसे कैसे काम होता है इसमें। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाता हूँ जिससे कि समझ में आए लोगों को। देखो तो प्रीकास्ट है क्या पहले, तो प्रीकास्ट, और अगर प्रीकास्ट को जैसे आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हो प्रीकास्ट में कभी भी, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज प्रीकास्ट, सबसे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रीकास्ट। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांटेज क्या है भाई प्रीकास्ट हम क्यों यूज करें। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीकास्ट एलिमेंट्स, ठीक है। चौथा हाउ इट इज मैन्युफैक्चर, कैसे इसको बनाएंगे। पांचवा हाउ टू प्लेस इन स्ट्रक्चर्स, उसके बाद डिजाइन पैरामीटर्स, और फिर टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, और टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग कौन कौन से उसमें टाइप होते हैं और क्या होता है प्रीस्ट्रेसिंग के टाइप्स। तो ये यही 8 क्वेश्चंस हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में, समझते हैं क्या होता है भाई प्रीकास्ट। इंट्रोडक्शन, सॉरी, कंक्रीट एलिमेंट्स कास्ट एंड क्योर इन टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सब कुछ प्लांट के अंदर बनाया जाए, कॉलम प्लांट के अंदर बनाया जाए, बीम प्लांट के अंदर बनाया जाए, स्लैब प्लांट के अंदर बनाया जाए, सब कुछ प्लांट के अंदर बनाने के बाद उसको साइट पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्री कास्ट। पहले से बना हुआ, पहले से कास्ट, प्री मतलब पहले से कास्ट बन चुका है तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट प्री कास्ट एलिमेंट्स आर लिफ्टेड इन टू प्लेस एंड असेंबल इन टू द स्ट्रक्चरल असेंबलीज, मतलब सब कुछ बना लिया, बनाने के बाद डायरेक्ट उसको लेके गए और वहां पर प्लेस कर दिया, दैट्स इट। तो इसके फायदा क्या होगा, मतलब यहाँ पर घर पे कॉलम बनाए या फिर फैक्ट्री में डायरेक्ट बनाए, क्या फर्क पड़ता है। तो इससे फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, वेरी रैपिड स्पीड ऑफ इरेक्शन, गुड क्वालिटी कंट्रोल, अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल हो पाता है। रीजन ये है कि फैक्ट्री में जब आप किसी चीज़ को करते हो तो प्रॉपर उसका एक इन्वायरमेंट फिक्स है, ठीक है। प्रॉपर उसके अंदर ये है कि भाई इसी टेम्परेचर पे सारा काम करना है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है प्रीकास्ट इंडस्ट्री में अगर आप लोग ऑफिस में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर्स काम करते हैं न कि लेबर्स, ठीक है। लेबर रहते हैं बट वो भी ITI होल्डर्स रहते हैं जो कि क्वालिफाइड है उस चीज़ के लिए। प्रीस्ट्रेसिंग इज इजली डन विच कैन रिड्यूस द साइज ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स एंड नंबर्स, क्या होता है इसका मतलब भाई, इसका मतलब कि अगर आप अपने घर में भी फैक्ट्री में भी काम कर रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हो कितने कॉलम की जरूरत है, सच में जरूरत है क्या कॉलम की, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, तो इससे बेटर एनालिसिस हो पाती है। कंट्रोल कॉस्टिंग द कंडीशन एंड हाई क्वालिटी ऑफ फॉर्म्स अलाउ ग्रेटर क्वालिटी कंट्रोल फिनिशिंग, तो जब आप ऑफकोर्स ऑफिस में कर रहे हो बैठ के प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मवर्क खराब नहीं होगा। साइट पर आप देखते होंगे लकड़ी का फॉर्मवर्क है, टेढ़ा हुआ है, कभी किसी एंगल में अलग सी डांस कर रहा है, वो भी कॉलम के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या होता है स्टील की फिनिशिंग रहती है, पूरी की पूरी क्लियर फॉर्मवर्क रहते हैं MI1 की, जिससे बेटर फिनिशिंग आती है, ड्यूरेबल रहता है, ज़्यादा लाइफ तक चलता है प्रीकास्ट। रीजन ये रहता है कि भाई सब कुछ प्रॉपर देखभाल के बनाया गया है, परमानेंट स्टील फॉर्म्स एंड रीयूज सेवरल टाइम्स, कई बार इसको यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इसके अंदर है यूज फॉर द फ्लोर्स एंड रूफ डेक, किसके लिए यूज करते हैं भाई, फ्लोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सामने आपके सामने कुछ मेंबर्स दिख रहे हैं, ये मेंबर्स आप यूज कर सकते हो, ये मेंबर्स आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हो, इसको आप हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन क्या रहेगा, हल्का रहेगा, इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और इसको आप अगर स्लैब पर लगाओगे तो लोड भी नहीं आएगा आपके बिल्डिंग पर, और सीधी सीधी बात है जब लोड नहीं आएगा आपके बिल्डिंग्स पर तो क्या होगा कि आपका डेफिनेटली कॉलम बीम जितने भी मेम्बर्स रहेंगे सब के सब वहाँ पर, एक मिनट, तो वहाँ पर क्या रहेंगे, सारे के सारे मेंबर्स हल्के लगेंगे क्योंकि
वहाँ पर हल्का हल्का सेक्शंस यूज हो रहा है। अ हॉलो कोर स्लैब ऑफर्स आइडियल सेक्शन ऑफ बाय रिड्यूसिंग द डेड वेट, उससे डेड वेट कम हो जाता है। बीम्स एंड गर्डर्स, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपके पास बीम्स बन के आती है, इस तरीके से कॉलम्स बन के आते हैं और इनको हम लोग क्या करते हैं फटाफट प्लेस कर देते हैं। कॉलम एंड वॉल पैनल्स, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बीम एंड स्लैब पैरामीटर्स, इस तरीके से आपके पास कॉलम बन के आएंगे, यहाँ पर देखो इस तरीके से सेक्शन बना हुआ है और इसे वॉल लेके आएंगे, फटाफट ट्रांसपोर्ट होके लग जाता है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। अदर एलिमेंट लाइक स्टेयर्स है, आपको स्टेयर्स चाहिए। अब ये स्टेयर्स की एक अच्छी आदत क्या है कि आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब अभी यहाँ पर आपने स्टेयर्स लगाया हुआ है, देखो आप लिफ्टिंग हुप्स लगे हुए हैं, अब इनको उठा के आप कहीं और प्लेस कर दो, ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से रीयूज करने में भी काम में हेल्प में आपके लिए आ सकता है, ये एक एडवांटेज होता है इसका। कैसे बनाते हैं भाई इतने अच्छे से सेक्शन, मतलब वॉल कॉलम कैसे बनाते होंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि प्रीकास्ट एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर इन कास्टिंग बेड, क्या होता है एक बड़ी सी कास्टिंग बेड होती है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं कास्टिंग बेड के ऊपर फटाफट अच्छे से मटेरियल लगा के 800 फीट का और मोर इन लेंथ, और उसको कट कर करके सेल करेंगे। आपको अगर 15 फीट की स्लैब चाहिए, 800 फीट है, उसमें से कट कर देंगे 15 फीट, आप ले जाओ अपना स्लैब खरीद के, ठीक है, जैसे कारपेट खरीदते हो ना उसी तरीके से इसको भी खरीद सकते हो, ठीक है। स्टील हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रेंथ आर स्ट्रॉन्ग टू लेंथ एंड वेट एंड टेंशंस, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का स्टील यूज करते हैं। अच्छे क्वालिटी के स्टील यूज करने से क्या होता है भाई, उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। कन्वेंशनल रेनफोर्सिंग वेल्ड प्लेट, ब्लॉकआउट्स, लिफ्टिंग लूप, ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। कंक्रीट इज प्योर इन टू द मोल्ड फॉर कास्टिंग बेड, तो उसमें क्या होता है कास्टिंग बेड के ऊपर रख के उसको प्रॉपर मोल्ड कर दिया जाता है। ये देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, एक बड़ी सी कास्टिंग बेड है, ठीक है, इसके ऊपर ये देखो स्लैब की कास्टिंग हो रही है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट डाल दिया गया है, इसको जब जरूरत होगी तब वहाँ पर जितने जितने पे जरूरत होगी हम लोग सर मोनोलिथिक कास्ट ना होने से स्ट्रेंथ कम होती है, करेक्ट, बहुत सही बताया यार, हम लोग इसको वो नहीं कर सकते ना, आई थिंक मतलब शेयर भी नहीं कर सकते हम लोग किसी को, चलो कोई बात नहीं इसी पर कर लेते हैं। प्लान तो मेरा था कि चलो यूट्यूब पे करेंगे, मस्त बड़ा सा होगा, पता नहीं क्या हो गया। चलो, वंस द कंक्रीट हैज क्योर्ड टू सफिशियंट स्ट्रेंथ द कास्टिंग वेट्स कट्स इनटू द सेक्शन इन डिजायर्ड लेंथ, इस तरीके से आप अपना कट कर करके सेल कर सकते हो किसी को। आपके पास यहाँ पर देखो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो देखो प्रॉपर यहाँ पर इंजीनियर्स अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्यूरिंग कर रहे हैं, कितना कवर की रिक्वायरमेंट है उतना कवर देंगे, जितना कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है उतना कंक्रीट देंगे, जितना स्टील की रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टील देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉपर अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहता है कि भाई जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना यहाँ पर हमें यूज में आने वाला है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसका सबसे मेन यही सेक्शन रहता है कि भाई इसको ले जाना टफ होता है, ठीक है, डिस्कस इट एट द डिसएडवांटेज, ओके करेंगे। देखो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये ट्रांसपोर्ट में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, डिसएडवांटेज एक रहता है कि भाई फैक्ट्री में होती तो स्किल लेबर लगेंगे इसके लिए, तो स्किल्स लेबर लगेंगे तो क्या होगा कि पैसे ज़्यादा आपके खर्च हो सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पर पैसे का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स फैक्ट्री की जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमने बनाया है, तो थोड़ा सा स्टील की कॉस्टिंग भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ट्रांसपोर्ट, अगर आपके आसपास इसकी फैक्ट्री नहीं है तो इसको आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे क्यों सर, तीन चार वॉल भी अगर आपने ट्रक के अंदर लाद लिया, तीन चार वॉल, और उस वॉल को लेके गए कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो चार वॉल को कम से कम 15,000 रुपये ट्रक के लग जाएंगे। आपको पता है ट्रक का रेंट कितना ज़्यादा होता है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन में ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड होता है। तो इंडिविजुअल सेक्शंस आर लिफ्टेड अलग अलग फ्रॉम द कास्टिंग बेड एंड स्टॉक टू शिपिंग द कंस्ट्रक्शन साइट, उसके बाद साइट पर उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स आर शिप्ड टू द कंस्ट्रक्शन साइट बाय ट्रक एंड इरेक्टेड ऑन द साइट बाय क्रेन, क्रेन के माध्यम से उसको पहुंचाते हैं, मतलब लगाते हैं जहां पर, जैसे हमको एक वॉल चाहिए थर्ड फ्लोर पे, क्रेन से वॉल को उठाएंगे और थर्ड फ्लोर पे पहुंचा देंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि हाउ टू प्लेस द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको
कुछ नहीं करना होता है, स्टील जैसे नॉर्मल कॉलम होता है एकदम सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लेट्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही प्लेट ऐड हो जाएंगी, देखो ऐड हो गई प्लेट, और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो अपने आप मेटल द बेरिंग प्लेट्स एंड एम्बेडेड द एंकर बोल्ट्स कास्ट इन टू बेड एंड द कॉलम्स, यहाँ पर लगा देंगे। आफ्टर कॉलम्स आर मैकेनिकली ज्वाइंट, प्रॉपर ज्वाइंट हो गए, कनेक्शन इज ग्राउटेड, यहाँ पर देखो ग्राउटिंग कर दी गई है। ठीक है, ग्राउटिंग के लिए 1:3 का मोर्टार लेते हैं और ग्राउट कर देते हैं, उससे क्या होता है कवर हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है। तो इस एडवांटेज की वजह से हम लोग ग्राउटिंग कर देते हैं, इसको कोरोजन नहीं लगेगा, फायर फाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बीम्स टू कॉलम्स, ठीक है, अगर हमको कभी कॉलम है उसमें एक बीम जोड़ना है तो इस तरीके से हम लोग स्टील यूज करके कॉलम को प्रॉपर प्लेस कर देते हैं, और प्लेस करने के बाद ग्राउटिंग हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन रहता ही रहता है। ये देखो प्लेसिंग हुई है, ये प्लेसिंग हुई है, तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली इसको प्लेस कर सकते हैं गाइस। इसके बाद है स्लैब टू बीम्स, ठीक है, स्लैब टू बीम्स कैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं कनेक्ट करेंगे। तो ये देखो आपके पास ये स्लैब है और ये आपका क्या है बीम है, तो यहाँ पर लेकर डायरेक्ट क्या किया इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद यहाँ पर पोल्टिंग यूज करके ये देखो ऐड करके हम लोग क्या करेंगे इसको प्लेस कर देंगे, दैट्स इट। इसके लिए अलग अलग साइजेस मार्केट में अवेलेबल है, हर चीज़ का अलग अलग साइज होता है, तो इसका भी है कि 4 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस, इस तरीके से साइज रहेगा। लेकिन आपको कैसा लिखा रहेगा आपको मिलेगा, अगर आप ड्राइंग पढ़ोगे तो लिखा रहेगा FS4। FS फ्लोर क्या है भाई, ये है कि फ्लैट स्लैब 4 इंचेस थिकनेस, तो 4 इंचेस थिकनेस का, 6 का 8 का 10 का 11 का 12 का, इस तरीके से हॉलो कोर स्लैब्स भी आते हैं और इस तरीके के भी स्लैब्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास जैसे अगर लिखा है 4HC6, मतलब 4 पैनल ऑफ द फीट, 4 फीट का रहेगा, HC मतलब हॉलो कोर, तो यहाँ से आप समझ जाओ केवल इतने से कि भाई बनाना क्या है एग्जैक्टली। हेलो अदनान, ठीक है जी, ये 40 फीट तक चला जाता है, 40 फीट तक का एक स्पैन ले सकते हो आप। आप बोलो 40 फीट तक कैसे सर, तो 40 फीट तक इसलिए क्योंकि ये हॉलो है, बट अगर यही स्लैब सॉलिड रहेगा तो 25 फीट के आगे नहीं देख पाओगे, मतलब लेके जा सकते हो। रेक्टेंगुलर बीम्स भी रहती है, उनके भी ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, 50 मीटर तक के लिए एल टाइप, आईटी टाइप, इस तरीके से आपके स्टैंडर्ड साइजेस हैं मार्केट में जो अवेलेबल है। ठीक है, बोल रहे हैं प्रीस्ट्रेसिंग पोस्ट्रेसिंग भी डिफाइन की सर, हाँ आगे आने वाला है, बस थोड़ा सा 2 मिनट का काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर बीम्स और एल टाइप टी टाइप भी यूज कर सकते हो। 12 इंचेस का, 6 इंचेस का, ऐसे सब का अपना ये लिखा रहेगा 16RB24, मतलब 16 विड्थ इन इंचेस और 24 क्या है डेप्थ हो गया। ठीक है, डबल टी बीम, डबल टी बीम कुछ इस तरीके से रहती है आपकी। ठीक है, इसके भी ये स्टैंडर्ड है, 100 मीटर के लंबे लंबे आपको ये सेक्शन मिल ले सकते हैं यूज करने के लिए। अब आता है प्री स्ट्रेसिंग इन कंक्रीट। ठीक है, क्या आता है प्री स्ट्रेसिंग इन कंक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ठीक है, प्री स्ट्रेस मीन्स व्हाट, ऑन साइट कास्टेड कंक्रीट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस व्हेन द लोड इज अप्लाइड इट, मतलब साइट पर डायरेक्ट प्लेस कर देना, दैट इज व्हाट, दैट इज प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, वही कह रहा हूं ना कि आप लेके चले गए वहां पर लेकर प्लेस कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रेस इज इन ड्यूस्ड इन कंक्रीट बिफोर ऑन साइड इंस्टॉलेशन ऑफ द एलिमेंट। क्या करते हैं, साइट पर लगने से पहले ही हमने अपने फैक्ट्री के अंदर ही उसके अंदर स्टील वगैरह प्रोवाइड कर दिया, स्टील इसमें टेंडन पड़ता है, टेंडन, तो हमने क्या किया साइट पर ले जाने से पहले ही स्टील प्रोवाइड कर दिया। अब उसका एडवांटेज क्या निकलेगा भाई, इसका एडवांटेज ये निकलेगा कि आप प्रॉपर कोई टेंशन नहीं ले जाके डायरेक्ट प्लेस करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है, इसको प्री टेंशन के नाम से आप लोग जानते होंगे, पोस्ट टेंशन भी होता है, बस थोड़ा सा रुको पहुंचते हैं। प्री स्ट्रेसिंग इज बीन इंट्रोड्यूस द कंप्रेसिव फोर्सेस इज कंक्रीट टू कॉन्ट्रैक्ट द स्ट्रेस व्हाट विल रिजल्ट टू एन अप्लाइड लोड। देर आर टू मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्री स्ट्रेसिंग इज अ कंक्रीट नेमली टाइप्स प्री टेंशन, दूसरा है पोस्ट टेंशन, दोनों होता है, प्री टेंशन भी होता है और पोस्ट टेंशन भी होता है। इट इज अचीव थ्रू स्टील केबल्स एंड आर टेंशन टू एंकर टू द बोल्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है स्टील की केबल्स होते हैं जिसको हम लोग टेंडन के नाम से जानते हैं, उससे प्लेस करेंगे। अभी आगे जस्ट आपको दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से टेंडन्स यूज होते हैं और यहाँ पर ये जैक होते हैं, हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं इनको, इनके थ्रू जितना जैक टाइट करना है हम लोग, यहाँ देखो लिखा है जैक, इसको हम लोग क्या करते हैं उतना टाइट करते चले जाते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग द प्री स्ट्रेसेस, इस तरीके से अपने आप स्ट्रेस अप्लाइड हो जाता है। ये देखो
डिफरेंस क्या है भाई प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में, डिफरेंस क्या है, हम क्यों प्री टेंशन करें या फिर क्यों पोस्ट टेंशन करें? तो देखो इन दिस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड कंक्रीट इज प्रीस्ट्रेस विथ टेंडन्स, पहले से टेंडन लगा दिया गया है बिफोर इट इज प्लेस ऑन पोजिशन, पहुंचने से पहले हमने क्या कर दिया, टेंडन को यूज कर लिया। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन दिस मेथड प्रीस्ट्रेसिंग इज डन आफ्टर कंक्रीट अटेन्ड इट स्ट्रेंथ, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ ले लिया उसके बाद हम स्टील को टाइट करेंगे उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों करते हैं बताता हूँ, दिस मेथड इज डेवलप ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील टेंडन्स, ठीक है, छोटे छोटे सेक्शंस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज डेवलप ड्यू टू बियरिंग, जितना लोड आ रहा है उसके हिसाब से क्या करेंगे इसको हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जितना लोड आ रहा है उसके हिसाब से इसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। प्री टेंशनिंग इज प्रीफर्ड वेन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज स्मॉल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्यों भाई, अगर हैवी एलिमेंट लगा दोगे तो क्या दिक्कत आएगा, ट्रांसपोर्ट कैसा करोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में इशू आएगा, इसलिए पहले ही हम लोग क्या करते हैं उसमें स्मॉल सेक्शन को ही केवल प्री टेंशन करते हैं, हैवी सेक्शन को पोस्ट टेंशन ऑन साइट करते हैं, साइट पर जाके वहाँ पर स्टील प्रोवाइड कर दिया, बाकी कंक्रीटिंग का काम फैक्ट्री में कर दिया, इसमें दोनों काम फैक्ट्री में ही करके डायरेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है जी। ये देखो आपके सामने हाइड्रोलिक जैक्स है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जितना इसको टाइट करोगे उतना ज़्यादा ये टाइट होता चला जाएगा, क्लियर है, ये जैक्स यूज होते हैं, ये पोस्ट टेंशन के लिए यहाँ पर ये देखो वायरिंग वगैरह लगा हुआ है। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या था, डेड लोड ज़्यादा होगा, हाँ इसीलिए, अब ये था जनरल, बट इसके और आगे भी है, ठीक है, इतना ही नहीं है, ठीक है, क्या है इसके आगे, इसके आगे यहाँ पर आप किस तरीके से फैक्ट्रीज में इस पर काम होता है, कौन कौन है इंडिया में जो इस पर काम करता है, आइए देखते हैं। तो एक कंपनी है, ठीक है, जो इस पर प्रॉपर काम करती है और इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पे करती है, ठीक है, तो उस कंपनी का हमने यहाँ पर निकाला है कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, बहुत अच्छा समराइज किया इन्होंने। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन इज इफिशियंट एंड फास्ट, सबको पता है कि इफेक्टिव भी है और फास्ट भी है। काम कैसे होता है इसमें, तो इसमें काम इस प्रोसेस में होता है, इतने स्टेज में सारा का सारा काम होता है। कौन कौन से वो स्टेज है भाई, पहला है डिज़ाइनिंग, स्टेज वन, सबको पता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग जब हो जाए तो उसका प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे कि भाई चलो अब डिज़ाइन हो गया बनाओ, ठीक है, तो स्टेज टू क्या रहता है, प्रोडक्शन। स्टेज थ्री रहता है क्यूरिंग, समय समय पर उसमें पानी वानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो क्यूरिंग रहता है थर्ड स्टेज। और चौथा स्टेज रहता है स्टोरेज, क्या रहता है भाई, स्टोरेज, कितना देर तक हम लोग उसको कैसे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि कॉलम हमने ढेर सारा बना लिया, वो सब कुछ बना लिया, रखने के लिए स्टोरेज हमको बनाना पड़ेगा बड़े बड़े। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट, आपने ऑर्डर किया, मैंने यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया, तो ये सेशन होगा ऑन साइट, ठीक है, स्टोरेज के बाद ये सब कुछ रहेगा कि भाई आपने बोला हमने मंगवाया, फिर अब वहाँ आपके घर पर पहुँच चुका है, अब आप इंस्टॉलेशन करवाओगे, इंस्टॉलेशन करवाने के बाद लास्ट स्टेप रहता है फिनिशिंग, ये स्टेज होता है प्रीकास्ट का। क्लियर है, डिजाइनिंग किया, प्रोडक्शन किया, क्यूरिंग किया, स्टोरेज किया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन किया, इंस्टॉलेशन किया एंड फिनिशिंग किया, दैट्स इट, यही मेन स्टेप्स होते हैं इसके। देखो आपके यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी इसके थ्रू बना सकते हो, इंडस्ट्री की भी बिल्डिंग्स बना सकते हो उसके माध्यम से, ठीक है, हाई रेंज बिल्डिंग्स बना सकते हो उसके माध्यम से, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो, पब्लिक वर्क भी कर सकते हो इस तरीके से, ब्रिजेस भी बना सकते हो, अभी जितने मेट्रो बन रहे हैं मैक्सिमम सबके सब प्रीकास्ट बन रहे हैं, सबके सब प्रीकास्ट बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट करेक्शन अगर करना है तो प्रीकास्ट ही कर सकता है। ये देखो कुछ एक एग्जाम्पल है प्रीकास्ट सिस्टम के, एक हाउस का, ठीक है, अब इसमें देखो ये वॉल जो है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर फैकेट, यहाँ पर लेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेयर यहाँ पर यूज हुआ है, फटाफट ले आके स्टेयर यूज किए थे, वो कितना अच्छा है। कुछ टाइम के बाद प्रीकास्ट में ही आप घर बनाना पसंद करोगे, ग्रेविटी प्लस लैटरल लोड बेरिंग वॉल आपके पास आ गई है, हॉलो कोर स्लैब, अब छत पे कौन सा ज़्यादा लोड आता है, ठीक है, फाउंडेशन तो करोगे ना, फाउंडेशन के लिए प्रीकास्ट के वो आते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फुटिंग आती है, बट वहाँ पर आपको एक्चुअल तो पूरा फाउंडेशन का काम करना ही पड़ेगा, मतलब, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजिली स्लैब्स वगैरह तैयार कर सकते हो। प्रीकास्ट के अलग अलग आपको पैनल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि सैंडविच पैनल है, इस तरीके से मिलता है, इसमें अलग अलग लेयर्स बनी रहेंगी। क्लैडिंग पैनल है जिसमें बाहर कारपेट टाइप का लगा रहेगा, तो उसमें क्या होगा, आपको प्लास्टरिंग करने का कोई टेंशन नहीं है, पेंटिंग करने का कोई टेंशन नहीं है, क्लियर रहेगा। सॉलिड पैनल भी यूज कर सकते हो, सॉलिड स्लैब यूज कर सकते हो,
एक्वोटेक पैनल्स यूज कर सकते हो इस तरीके से। अब स्लैब्स हॉलो टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के अवेलेबल है जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द स्मार्ट वे टू बिल्ड। फटाफट ले आए वॉल को और ले आके प्लेस कर दिया। जहाँ पे पैनल नहीं चाहिए वहाँ ये ले लिया, जहाँ पे विंडो विंडो लगाना है वहाँ पे ये वाला पैनल ले लिया फटाफट। इससे फायदा क्या हो रहा है, स्पीड डबल हो गई यार, फटाफट काम हो रहा है। लो मैन पावर, जब फैक्ट्री में बनना है तो बस ले आके प्लेस ही तो करना है, तो ज़्यादा लेबर कॉस्ट बचेगा ही नहीं, ठीक है। इकोनॉमिकल भी है क्योंकि हम लोग समझ के बना रहे हैं कि भाई कहाँ पर कितना यूज में आने वाला है उतना ही लगाएंगे। प्लास्टरिंग का भी खर्चा कुछ नहीं है, प्लास्टर क्रैक करने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सब कुछ फैक्ट्री में प्रॉपर होके आया है, आपको दिखाई। अब इसमें क्या प्लास्टर करोगे, इसमें क्या प्लास्टर करोगे। ड्यूरेबल रहता है, ठीक है। क्यों ड्यूरेबल है, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर मेजरमेंट के साथ किया गया है तो अच्छा रहता है। बेटर डिजाइनिंग, अच्छी डिजाइनिंग रहती है, लुक अच्छा आता है। अब आपने देखा पहला वाला कितना अच्छा लुक था, वेस्टेज नहीं हो रहा है और इको फ्रेंडली है, ठीक है। इको फ्रेंडली कैसे है, आप इसको रीयूज भी कर पा रहे हो, ठीक है, इसको रीयूज भी कर पा रहे हो, प्रॉपर आपका सही तरीके से बना हुआ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। प्रीकास्ट नंबर्स अगर देखोगे तो अगर ये तो 2 टाइम्स तो हो ही रहा है, और लेबर का यहाँ पर हमारा जो कन्वेंशनल लेबर है वो भी कम लग रहे हैं यहाँ पर, टाइमलेस लेबर देन कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ईयर पे बैक पीरियड ऑफ मशीनरी एंड माउट सेविंग्स, मतलब जल्दी जल्दी जब काम होगा तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर क्या होगा, सेविंग्स अच्छी खासी हो रही है। 100 ईयर्स के लिए डिजाइन कर सकते हो एक प्रीकास्ट बिल्डिंग्स को, कितने साल के लिए भाई, 100 प्लस, तो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रीकास्ट। अब ये देखो कुछ जगह ऐसे हैं जैसे कि इराक में आप देख रहे हो पूरा का पूरा सारा कंस्ट्रक्शन जो हुआ है ये कैसा हुआ है, प्रीकास्ट हुआ है, फुल प्रीकास्ट, मतलब एकर्स में है। ये देखो 1830 हेक्टेयर्स, मतलब कितना बड़ा लैंड है, सब का सब प्रीकास्ट पे हुआ है। तो ये समझो कि अभी धीरे धीरे प्रीकास्ट कैसे ग्रोथ कर रहा है। कई लोग सोच रहे हैं सर केवल इराक में, नहीं नहीं आओ देखते हैं इंडिया में भी, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ पर DDA हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये दिल्ली में है, ठीक है, और इसमें 50,000 हाउस दिल्ली में कैसे बनाए जा रहे हैं, प्रीकास्ट बनाए जा रहे हैं। ये आपके बगल में ही है दिल्ली, कई लोग तो दिल्ली से ही होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आप उस पर काम कर सकते हो प्रॉपर। और ये फटाफट यहाँ पे 50,000 हाउस के सुख से बनते हैं, ठीक है। सर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं प्रीकास्ट में, बता रहा हूँ। हाउसिंग प्रोजेक्ट तो यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर व्यूज आपको देख सकते हो इसका, और ये देखो आपका कहाँ पर ये, और ये भी इंडिया का ही कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपमेंट, 2 बेसमेंट, 10 स्टोरीज बिल्डिंग्स आप यहाँ पर बना चुके हो, ठीक है। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एक टेकला, दूसरा रेबिट स्ट्रक्चर, रेबिट स्ट्रक्चर और टेकला दो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। रेबिट आर्किटेक्चर भी यूज करते हैं, क्यों, आर्किटेक्चर व्यू के लिए, ठीक है। रेबिट आर्किटेक्चर, रेबिट स्ट्रक्चर और टेकला, ये 3 सॉफ्टवेयर मेन रूप से इसके लिए यूज करते हैं। वॉल फ्रेम आता है, देखो डायरेक्ट वॉल का फ्रेम आया, फटाफट लगा दिया वॉल, टाइम कितना बचेगा, एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगता, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर एडवांटेज होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखो यहाँ पर जिंदल का एक स्टूडेंट हाउसिंग है पूरा का पूरा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रीकास्ट से बना रहेगा। ये देखो खतरनाक पूरा का पूरा आपको हॉस्टल टाइप की पूरी बिल्डिंग्स तैयार हो गई है। स्टूडेंट्स हाउसिंग 6 स्टोरी बिल्डिंग्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स हाउसिंग कैपेसिटी, 85,000 स्क्वायर फीट स्ट्रक्चर बिल्ड इन 2 मंथ्स, ठीक है। टेकला डिजाइन एंड टेकला और डिटेलर दोनों के दोनों यूज करना पड़ता है, टेकला डिजाइनिंग और टेकला डिटेलर दोनों यूज करना पड़ता है। प्रोजेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर एक और देख सकते हो, स्टूडेंट हाउसिंग पूरा का पूरा, ये देखो पूरा कंस्ट्रक्शन किस पर हो रहा है, सब इंडिया का कंस्ट्रक्शन लेके आया हूँ, ठीक है, सब कुछ इंडिया का कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ एक अंकित जल्दी से OTP दे दो, हाँ OTP है 73 41 64 73 41 और 46, मतलब 64 बोलते ना, हाँ 64 नहीं 46 46, हाँ ओके। एक्चुअली एक कोरियर आया हुआ था तो उस पर OTP की रिक्वायरमेंट थी, तो एक और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट हाउसिंग है, और ये देखो आपके पास कंस्ट्रक्शन अच्छे अच्छे आपके सामने तैयार हो गए स्टूडेंट्स के लिए, प्रॉपर हॉस्टल वगैरह सब कुछ तैयार कर सकते हैं उसके माध्यम से। इसमें गाइस आप क्या बोलते हैं, रिसर्च सेंटर्स भी बना सकते हो, ये आपके सामने है, देखो ये बिल्ट अप एरिया है, सब इंडिया में आपका काम हुआ है सब कुछ,
और टॉल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। कितना अच्छा है, कॉलम प्लेसिंग करते चले गए, इस पर आएगा बीम, रेस्ट होता चला जाएगा, खत्म। फिर बाद में वॉल का पैनल ले आके फटाफट लगा देंगे। नहीं, इसके लिए हम लोग टेक्ला ही यूज़ करते हैं जनरली। प्रोसेस एंड R&D रिसर्च सेंटर भी देखो, बहुत अच्छे से अभी आपके सामने बन के आ गए, सब के सब पहले ऐसे था फिर बन के ऐसे आ गया है। इसके बाद है आपका कॉम्बो हॉस्टल चेन्नई में, देख लो, अब ये देख लो चेन्नई में बना हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, पूरा का पूरा किस पे बनी हुई है, प्री कास्ट बनी है। पुणे में तो बहुत ढेर सारी बिल्डिंग पुणे में बन गई है, मेरे सामने बहुत से बनी, ठीक है। 14 स्टोरीज बिल्डिंग्स विथ 2 बेसमेंट एंड 60 मीटर हाइट, तो इस तरीके से आपके पास बिल्डिंग बनी हुई है। प्री कास्ट पे आप पूरा का पूरा कॉलम, प्री कास्ट हॉलो सेल स्लैब, प्री कास्ट कोर लिफ्ट स्लैब, सब कुछ हम लोग यहाँ से बना सकते हैं प्रॉपर। ये देखो आपके पास प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट है, ये बन रहा है भी और ये भी बन रहा है प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। TVS मोटर सबको पता ही होगा, उसमें भी यहाँ पर लोग बना रहे हैं, प्रीकास्ट पे पूरा का पूरा वर्क हो रहा है। TVS की फैक्ट्रीज में भी यहाँ देखो, यहाँ पे PE भी यूज हुआ है और ये सारे PE जो ये में बस देखो स्लैब वगैरह देख रहे हो, ये PEB सेक्शन है और ये स्लैब वगैरह भी यूज कर रहे हैं, तो ये किसका है, प्रीकास्ट का है। ये देखो स्लैब धीरे धीरे यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है, ठीक है, कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास एग्रीकल्चर कॉलेज पूरा का पूरा किस पे बन रहा है, प्रीकास्ट पे। तो आपको बस ये जस्ट अवेयरनेस के लिए है कि देखो कि कितने काम हो रहे हैं, मतलब हम लोग आगे इस पे कैरियर अच्छे से बना सकते हैं। ये देखो स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पूरा का पूरा बन गया है। देखो यहाँ पर ये PE भी यूज कर लिया, देखो टेपर सेक्शन है ना, लास्ट टाइम बताया था, लास्ट संडे को जो वेबिनार हुआ था, तो PE भी यूज कर लिया और ये क्या हो गया, कॉलम्स यूज कर लिया हमने। बेंगलोर में आपके सामने बेस्ट देख लो, सामने ही है, ठीक है। अब आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस एंड प्रीकास्ट जैसे कैसे अच्छा बना सकते हैं, तो प्रीकास्ट में अच्छी अच्छी वॉल क्लैडिंग्स आती हैं कलरफुल इस तरीके से, BIP, ठीक है। तो अब इनका क्या कर सकते हो, इनके माध्यम से आप बेहतर अपीयरेंस दे सकते हो अपनी बिल्डिंग्स को, लुक अच्छा दे सकते हो, तो ये प्रीकास्ट की वजह से अच्छा दिखेगा आपको। प्रीकास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे अपीयरेंस बना सकते हैं इसमें प्रीकास्ट पे। ये देखो आपके पास बालकनी वगैरह मस्त, देखो कितना अच्छा लग रहा है बालकनी पे, ये बना प्रॉपर लगा दिया है इसको। प्रीकास्ट में आप इस तरीके से अच्छे अच्छे कास्टिंग करके स्लैब्स वगैरह, इस तरीके से वॉल क्लैडिंग्स वगैरह सब प्रॉपर बना सकते हो। देखो फैक्ट्री में जो चीज़ बनाओगे उसमें आपके पास टाइम रहेगा, अब ये चीज़ आप RCC में जब बनाओगे तो आपको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, बहुत टाइम टेकन होगा ये, ठीक है। इन्होंने अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया, हाँ गलती का चांसेस कम रहेगा, कंपनी के बारे में इन्होंने बताया है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मशीनें होती हैं जो मशीनों को थोड़ा हॉलो कोर स्लैब्स बनाते हैं, जो स्लैब्स वगैरह क्रिएट करते हैं उसके लिए ये सब यूज़ होता है, तो ये हमारे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, छोटे प्रोडक्शन हाउस इस तरीके से होते हैं, बड़े जहाँ पर बनता है मतलब मशीनरी, और बड़े पैक जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। देखो ये मशीन से ये सारे स्लैब्स बनाते हैं, ये हमारा टर्म नहीं है, हमारा टर्म जो था वो ही था। उसके बाद प्रोडक्शन वॉल के अपने पास अलग अलग, यहाँ पर देखो क्लैडिंग्स है, देखो अलग अलग ट्रैक्स हैं, ये मोल्ड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं और प्रॉपर पैनल बनाते हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े सांचे जिसके अंदर फिल करेंगे, और प्रीकास्ट प्लांट ऐसे देखो बड़े बड़े यहाँ पर वॉल को लिफ्ट करके यहाँ से जहाँ पहुँचाना रहेगा वहाँ पर पहुँचा देंगे। प्रीकास्ट का प्लांट यहाँ पर देखो फास्टर मेथड है, फटाफट यहाँ पर ले आए और इसको प्रीकास्ट का प्लांट फटाफट तैयार कर देंगे। ये देखो सेमी लेवल पे, प्रो लेवल पे और एज लेवल पे, बड़े लेवल पे फैक्ट्री ऐसे रहती है, मीडियम इंटरमीडिएट ऐसे, स्मॉल लेवल पे फैक्ट्री इस तरीके से रहती है, ठीक है, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं सभी, तो इस तरीके से होता है। आपके पास देखो इतनी ढेर सारी कंपनी है जिन्होंने ऑलरेडी प्रीकास्ट पर अपना काम करवाया हुआ है, मतलब इन लोगों ने जस्ट, ठीक है। चलो अब आपके क्वेश्चन का ही टाइम आ गया, तो ये था प्रीकास्ट, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे लगा कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि मतलब इंटरनेट ने धोखा दे दिया, पता नहीं किसने धोखा दिया, सिस्टम ने दिया कि किसने दिया, बट मैंने कहा नहीं करना है तो करना है। चलो आप सबके क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। इन्होंने बोल रहे हैं कि सर डिफरेंस बिटवीन रेबिट स्ट्रक्चर एंड टेक्ला बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्ट्रक्चर डिजाइनर। देखो टेक्ला का कोई जवाब नहीं है, ठीक है, टेक्ला टेक्ला है, ठीक है, और रेबिट स्ट्रक्चर इज गुड, बट टेक्ला का कोई कंपेरिजन नहीं है। टेक्ला एक्सलेंट लेवल का सॉफ्टवेयर है, जिस स्पीड से काम करता है, जिस बड़े जिस लेवल के प्रोजेक्ट्स, वो टेक्ला के अलावा कोई नहीं कर सकता है, टेक्ला इज द बेस्ट अब्दुल। चलो और किसी को क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं। वैसे तो अभी प्रीकास्ट की बहुत ढेर सारी कंपनी आ गई हैं,
बट जनरली जो मैं जानता हूँ, ठीक है, जो कुछ कंपनियाँ, एक है प्रेसिजन प्रीकास्ट जिसका पूरा का पूरा काम ही किस पर है, वो टेक क्या बोलते हैं, टेकला पे उसका पूरा का पूरा काम है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा कंपनी है वो है कि आपका क्या बोलते हैं, कंपनी है स्ट्रू सॉफ्ट, स्ट्रू सॉफ्ट करके कंपनी है, वो पूरा का पूरा पीवी पे ही काम करता है, इस पे सॉरी प्रीकास्ट पे ही पूरा का पूरा काम करता है। और एक है ब्लैक एंड विच, वो भी करता है। एक है नील सॉफ्ट कंपनी है, अभी पीछे में एक रिक्वायरमेंट बताया था उसका, वो भी इस पर काम करती है, ठीक है, प्रीकास्ट पे। ये बोल रहे हैं कि सर टेकला डिजाइनर भी करना होगा। हाँ, डिजाइनर भी करते हैं, इसमें डिजाइनिंग का ज्यादा काम नहीं रहता है, ठीक है। अब लोग सर ऐसे कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सेक्शन फिक्स होते हैं कि इसके बाद ये एलिमेंट लगना है और ये साइज का लगना वाला है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट ब्लॉक वाइज रहते हैं, तो जो जो ब्लॉक फिक्स है वो ब्लॉक लगेगा ही लगेगा। तो टेकला डिजाइनर, टेकला डिटेलर और रेवी स्ट्रक्चर को ज्यादा यूज करते हैं इसको यूज करने के लिए। एक कंपनी और याद आ गई मुझे, स्लैब इंजीनियर्स करके है, वो भी इस पर काम करता है प्रीकास्ट पे। बहुत कंपनियां हैं जो मुझे अभी तुरंत याद आ रही है, वो इतनी कंपनीज हैं, समझ गए इस, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने ज्वाइन किया और हमने कोशिश किया, हम मतलब कुल मिला के जो मेरे अंदर था कि नहीं करना है तो वो हुआ आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड करने बैठता फिर डालता तो मुझे जमता भी नहीं है, तो इसलिए मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, सर आई वॉन्ट टू लर्न लर्न सॉफ्टवेयर फ्रॉम यू, विच सॉफ्टवेयर शुड आई लर्न, रेवी स्ट्रक्चर और टेकला? टेकला सीखो, ज़्यादा बेटर है, टेकला इज ऑन द लेवल, ठीक है अब्दुल, टेकला बेटर है, ठीक है। रेवी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि खराब है, ऐसा नहीं है, बट उसका लेवल और उसके लेवल में डिफरेंस है, टेकला इज द बेस्ट। आई हैव कंप्लीटेड एमटेक, एमटेक वालों के लिए तो टेकला ही अच्छा रहेगा, मतलब हाई लेवल है थोड़ा सा। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप लोगों ने इसको किया, इसके साथ ही मैं इसको डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे भी, तो आप लोग भी देख पाओगे यूट्यूब पे भी, तो इसीलिए दोनों काम हो गए हमारे, ठीक है। एंड हाँ, थैंक यू सो मच बिलाल, एक्चुअली मेरे को था कि करना है, पता नहीं कैसे सिस्टम ने गड़बड़ किया तो फिर हो गया। हाँ जी बताइए, मंजूर अहमद कुछ क्वेश्चन है बोलिए ना, मंजूर जो भी क्वेश्चन है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी पूछ लो, तब तक जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग वीडियो अगर आप आगे भी ऐसे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग भी अपने ऐप को डाउनलोड कर लो, यूनिक सिविल ऐप है, डाउनलोड करके रखोगे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप पर आके क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो एवरी वन काइंडली डाउनलोड यूनिक सिविल ऐप, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आके डाउनलोड कर लो। टेकला में भी डिजाइन कर सकते हैं क्या? यस यस, नहीं टेकला में डिजाइन कर, टेकला डिजाइनर अलग है, टेकला डिटेलर अलग है मंजूर, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, टेकला डिजाइनर अलग है, डिटेलर अलग है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।